हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अंजना विद्यापीठ, हेलो बायोलॉजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना वादा निभाते हुए आज फिर हम आपके लिए नीट के प्रीवियस ईयर में से एक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हम इस डाउट को सॉल्व करेंगे और इस प्रकार के डाउट आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, तो आज का हमारा जो डाउट है वो कुछ इस प्रकार है। इन आ DNA percentage of thymine is 20%. Then what will be the percentage of guanine? यहाँ पर पूछा गया है कि जो DNA का जो एक DNA है, ठीक है, एक DNA है, ठीक है, उसमें thymine का जो percentage है वो सिर्फ 20% है, यानी कि 20% thymine है इस पूरे DNA में। और हमें यहाँ पर बताना है then what will be the percentage of guanine, ठीक है, what will be the percentage of guanine, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन क्या था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेन पॉइंट्स कौन से हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो थाइमीन है उसका परसेंटेज 20 है और हमसे पूछा गया है guanine का परसेंटेज। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया 20%, ऑप्शन बी में 40%, ऑप्शन सी इज 30% एंड ऑप्शन डी इज 60%। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि चार्गव रूल की। तो चार्गव का जो रूल था उनके अकॉर्डिंग ए प्लस जी इक्वल्स टू टी प्लस सी, मतलब purine is equal to thymine। इसका मतलब है according to the Chagas rule the percentage of thymine and the percentage of purine and pyrimidine is equal in a DNA। या हम ये बोल सकते हैं कि जो एक डबल स्टैंडर्ड DNA होता है उसमें प्यूरिन और pyrimidine का रेशियो सेम होता है। ठीक है, अब सेम कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारा, यहाँ पर एक स्टैंड पर अगर एडेनाइन है तो ये जो एडेनाइन है ये डबल बॉन्ड के साथ दूसरे स्टैंड के थायमिन के साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, वहीं अगर एक स्टैंड पर ग्वानिन है तो ये थ्री ट्रिपल बॉन्ड के साथ सामने वाले के साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो एडिनिन जो है वो हमेशा पेयर बनाता है थायमिन के साथ और ग्वानिन जो है वो हमेशा पेयर बनाता है साइटोसिन के साथ। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितने एडिनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे और जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास थायमिन कितना है, थायमिन है हमारे पास 20%। ठीक है, अगर थायमिन 20% है तो ऑब्वियसली एडेनिन भी कितना होगा 20%। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 40%, ए प्लस टी इक्वल्स टू 40% हो गया और रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया 100% में से अगर हम इस 40% को माइनस कर देंगे तो बचेगा 60%। तो ये 60% किसका कंटेंट है, ग्वानिन और साइटोसिन का। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30, यानी कि इस डीएनए में 30% ग्वानिन है और 30% ही साइटोसिन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ग्वानिन का कितना परसेंटेज होगा, तो ग्वानिन का परसेंटेज होगा यहाँ पर क्या होगा 30%। तो ग्वानिन इक्वल्स टू 30%, यहाँ पे लिख दो भाई 30%। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये समझ में आया हो कि
इस तरीके के क्वेश्चन अगर नीट एग्जामिनेशन में आते हैं तो कितनी जल्दी हमें सॉल्व करने हैं और कितनी आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम रोज आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। और अगर आप इसी तरीके के डाउट को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखिए और हम उनको जल्दी से जल्दी उन पर वीडियो बनाएंगे, सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे। बस आपको क्या करना है, उसके साथ साथ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और अपने दोस्तों के साथ जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना है। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।